महाशिवरात्रि सत्र 2024 का साल, आपका बहुत बहुत चैनल पर स्वागत है। स्वागत करते हुए बाबूलाल साहू जी अंतागढ़ सीजी स्टार विजन क्रिएशन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भी आज इस महान उत्सव में कुछ पाने के लिए आशा से भगवान भोलेनाथ के दरबार में आखिरकार उपस्थित हो ही गए हैं। जो हमारे लिए एक आज के दिन भी एक अविस्मरणीय बनने जा रही है। नारियल या पुष्प भंडार, नारियल मात्र 10 रुपए में, भक्तजनों को 10 रुपए में नारियल देकर उनको सहर्ष विदा किया जा रहा है कि आप भी दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, ये मदार का फूल पुष्प फ्लावर है, मदार पुष्प, गेंदे का पुष्प, ये नारियल पूजा के लिए, ये बेल पत्र है, लेकिन बेल पत्र में ये देखिए आपका सामने छेद है। भगवान भोलेनाथ को भी ये स्वीकार है कि जैसा भी हो आप पत्ते डाल दो, तीन पत्तियां, तीन पन्ने का जो ये बेल पत्र है डाल दो, उसको भोलेनाथ जी को सब स्वीकार है। आप देखिए ये बेल पत्र जो है कटी फिटी जैसा चाहे वैसा ला करके इनको भोलेनाथ को सुपुर्द करने जा रहे हैं। और भक्तगण जो है इस बात को जो है समझने के पहले उनको चढ़ाना है, सब फॉर्मेलिटी है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी फॉर्मेलिटी है, जैसे भी उनको देख लो उतर जाओ। ये माता जी ये क्या है? धतुरा। हाँ ठीक ठीक, हम भी क्या है कि बातों में भूल गए थे। ये धतुरे का फल है जो शिव जी पर चढ़ाया जाता है। अब देखिए ये कटीली जो गेंद नुमा छोटी बाल नुमा यह फल है, फ्रूट है, जो धतुरे का फल कहलाता है। इसे शिव जी में अर्पण कर लोग अपना, मुझे तो पता नहीं है कि लोग क्या कामना करते हैं इस धतुरे के फल को चढ़ा कर। भोलेनाथ को ये सब पसंद है, ऐसी चीजें ज्यादा प्रिय है। तो दर्शक जो है इसको सब चढ़ाते हैं। ये पुड़िया है, कितने पैसे का है माता जी? ये कितने का है? अच्छा ये 20 रुपये का है। इसमें सारी चीजें हैं, अगरबत्ती है, नारियल है, फ्लावर है, और ये जो धतुरे का जो फल है इत्यादि, ये बेल है, इसको बेल कहते हैं। ये देखिए ये गेंद्रुमा, ये बेल है, यह भी चढ़ाया जाता है। अच्छा तो ये बताइए आप कौन गांव से आए हैं माता जी? जी पास में खट्टी गांव है ना, खट्टी के ये माता जी खट्टी का निवासी हैं, जो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के शिव जी के दर्शन हेतु भक्तों को, भक्तजनों को ये सामग्री प्रदान कर रहे हैं, और यह पुष्प नारियल दे करके उनको बता रहे हैं, और कुछ आंशिक पैसे ले। कितना पैसे का है एक पुड़िया नारियल का? 20 रुपये ना, वो 20 रुपया का पुड़िया ये जो नारियल है आप देख रहे हैं ये 20 रुपये में देते हैं। और
लोग 20 रुपए दे करके जो है आगे बढ़ जाते हैं। देखा तो ये भैया माता जी बता रही है कि 20 रुपया में हम देते हैं पुड़िया को, उसमें सारी चीजें हैं, पुष्पों से लेकर नारियल से लेकर अगरबत्ती है ना, और जोर जोर भगवान भोलेनाथ का जो सवांग है उस पर है, और इसमें मैं खुश हूँ, 20 रुपया लेकर के भी खुश हूँ, और वह जो है भक्त के लिए वो पुड़िया 20 रुपए में ठीक है, है ना, ऐसी बता रहे हैं। हम भी देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि माता जी अच्छा सेवा भाव से कर रही है और हमें भी कोई प्रकार का दुख नहीं है और मन में प्रसन्नता है कि माता जी एक भोलेनाथ का इसी बहाने से वो भी सेवा कर रही है। नहीं, ये भावना का सेवा है, मात्र सेवा है, भाव का सेवा, सेवा का भाव, भाव का सेवा नहीं, सेवा का भाव नहीं, वही तो हम सेवा दे रहा है, कुछ नहीं, हम पैसा कमाने नहीं आए। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, आइए भैया बोल रहे हैं कि इसमें हम पैसा कमाने का हमारा उद्देश्य नहीं है, अब इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ सेवा का ही भाव है, है ना। तो हमें आपसे मिल करके दादाजी नमस्कार, आपको बहुत खुश हुआ, अच्छा लगा, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, हम लोग ऐसे कर्मचारी वृंद है, हमको समय नहीं मिलता है, आज इस भगदड़ से, भीड़ भगदड़ से निकल कर आज हम भी आपके पावन ग्राम टोला घाट में ये भगवान भोलेनाथ का दर्शन के लिए उपस्थित होकर के शांति का अनुभव कर रहे हैं। आप कहाँ? मैं परसदा निवासी हूँ, लेकिन मोर ड्यूटी, हाँ मोर ड्यूटी है अंतरगढ़ कांकेर विकास खंड, कांकेर में है, कांकेर जिला है, मैं अंतरगढ़ में निवासी हूँ, वहाँ भी मेरा घर है, मेरा जन्मभूमि परसदा है। ये झुमुक मेला जाना झुमुक आवाज, हाँ सब लोग जानते हैं लड़का में, हाँ ठीक ठीक बाय। तो इस प्रकार से हमें ये आनंद अनुभूति, आनंद की अनुभूति हो रही है, ये दर्शन को उमड़ता भीड़ आप शहर देख सकते हैं दूर दूर तक, ये जो आपको टावर दिखाई दे रहा है ये निर्माणाधीन है, ये अति शीघ्रता से यह टावर जिसमें झूला तैयार होंगी और यात्रीगण भी और दर्शकगण भी इस झूले में चढ़कर एक छोर से दूसरे छोर को आसानी से पार कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। देखिए दूसरा छोर का दृश्य देखिए, ये टावर निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन टावर, एक सेकंड टावर, और ये जो है अंतिम छोर का टावर जो आप देख रहे हैं, ये अंतिम छोर का टावर देख लीजिए, इस पर झूला निर्माण होंगे और भक्तगण यात्रीगण आर पार होने के लिए इसी टावर का सहारा लेंगे। मंदिर का जो फ्रंट एंट्री गेट है, एंट्री गेट पे आप भीड़ देख सकते हैं, दर्शकों की जो है भक्त गणों की जो मंदिर गर्भगृह में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो लाइन से अपना नियम का फॉलो कर रहे हैं, यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, अभी तो ये स्वयं जो है उस दृश्य को समझ रहे हैं कि हमें लाइन में लगना पड़ेगा और बड़े आराम से भोलेनाथ का दर्शन करेंगे, ऐसी जिज्ञासा के साथ, आस्था के साथ ये भक्तगण भोलेनाथ का दर्शन के लिए इस महाशिवरात्रि पे अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, कुछ पाने की आशा में, जिज्ञासा में आगे बढ़ते भोलेनाथ का दर्शन के लिए क्रमबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, आप देखिए ये नंदी कहते हैं, ये नंदी महाराज है, सुनसान जगह पर अपना अड्डा बनाए हैं, जिसको भी ये भक्तगण घेरा बंदी कर लिए हैं और उसमें जल अभिषेक करते हुए अपने मन को कृतार्थ करने का प्रयास
एक प्रयास यह भी है, अब उसको एक अभिनव प्रयास कहिए, क्या कह सकते हैं, यह प्रयास ही तो है। नंदी महाराज का जो है सेल्फी वीडियो हमारा, आप देखिए पीएल साहू जी का महाशिवरात्रि का पावन पर्व, आज हम आप सभी के लिए हर्षोल्लास का पल लाया है। हम भी इस गंगा में डुबकी लगाने थोड़ा कुछ पानी का जिज्ञासा हम में भी है। हमारा सेल्फी वीडियो शिव जी का जो प्रवेश द्वार में, इस प्रकार से हमारा सेल्फी वीडियो भी है जो आप देखेंगे, आप दर्शन कीजिए। ये माताएं इस प्रकार से इस तरह, ये देखिए लार्ज सीन साइट, लार्ज साइट के रूप में आपको दिखा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, पीएल साहू का छोटा सा ब्लॉगिंग आपके समक्ष इस पावन दिवस महाशिवरात्रि के पर्व पर आपको समर्पित है। पीएल साहू ग्राम परसदा विद्या मंदिर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।